बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 780 मुलाहिज़ा फरमाएं। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, कोई नहीं कह सकता था कि इस वैरान तारीख कोठी के ज़ेर ज़मीन कमरे में इतनी रोशनी है और रौनक है। राबिया ने मौका पाते ही अपनी बात शुरू कर दी। मेरे पास उस नर्स का फ़ोन 5:30 बजे आया था, उसका नाम शाहिदा है। पहले उसने मुझसे तस्दीक की कि मैं नकवी साहब की बेटी राबिया कारी हूँ। यूसुफ ने तो मुझे नहीं बताया था, मगर मैं समझ गई कि ये गलत फहमी नहीं हो सकती। जिसने उसे मेरे घर का नंबर दिया है, उसने ये भी कहा होगा कि नकवी साहब की बेटी का नाम राबिया कारी है। सिर्फ ये जानने के लिए कि ये झूठ किसने बोला था, क्यों बोला था, मैंने कह दिया हाँ मैं राबिया कारी बोल रही हूँ। वो कहने लगी कि आप राबिया नकवी क्यों नहीं हैं, क्या आज शादी हो चुकी है आपकी? मैंने कहा कि तुम समझदार हो, ये बताओ बात क्या है, क्यों फ़ोन किया है मुझे? उसने मुझे सारी बात बता दी, ये भी बता दिया कि केस उसने सुन लिया है। उसके बाद से मेरी परेशानी बढ़ गई है, पता नहीं क्यों इस चक्कर में मैं पड़ गई। मैंने कहा शाहिदा तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया था, अब इस केस की हिफाजत करो और अपनी भी, हो सके तो इसी वक्त केस लेकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं और उसका नतीजा कितना ख़तरनाक होगा। मैंने लालच में ये काम किया और 1000 रुपये नौकरी के बराबर तो नहीं होते। नकवी साहब ने वादा किया था कि मुझे भी मेरी पसंद की नौकरी मिल जाएगी और मेरी बहन को भी, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। मैंने उन्हें समझाया कि फ़ोन पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मेरे पास आके मुझे तफसील से सारी बात बताए। अगर नकवी साहब नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस पर शाहिदा ने कहा कि वो 1 घंटे में निकलेगी और 6:30 तक पहुँच जाएगी। मैंने उसे अच्छी तरह अपना पता समझा दिया था और चौकीदार को समझा दिया था कि अगर शाहिदा नाम की लड़की अकेली आए तो उसे मेरे पास पहुँचा दे। वो 7:45 बजे पहुँची, कहने लगी कि बस देर से मिली और फिर कोठी तलाश करते करते मैं आगे निकल गई थी। खैर, ड्राइंग रूम में उसने मुझे सारी बात बताई कि किस तरह उसने टेप रिकॉर्डर चुरा के नकवी साहब को ले जाकर दिया था, कैसे उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड करके दिया था और बाद में वो कैसे केस को निकाल कर ले गई थी। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि एक मामूली से टेप रिकॉर्डर के लिए स्टाफ के खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा और वो औरत इतना हंगामा करेगी। जल्दी में मुझे सोचने का मौका नहीं मिला, वरना मैं उसे टेप रिकॉर्ड मांग कर ले आती और उसे वहीं छुपाना भी मेरी गलती थी। मैं किसी खाली कमरे में रख देती, बाहर फेंक देती, वो बाद में वहीं दवाओं की अलमारी में मिल गया। जाहिर है 2-4 आदमी हैं जिन पर शक होगा, डॉक्टर की हैसियत ऐसी होती है कि वो बच जाएगा, मैं और एक मिडवाइफ पकड़े जाएंगे। अब मैं उसे कैसे कह सकती कि पकड़े जाने से ज़्यादा ख़तरा उसके मारे जाने का है। हालात व वाक़ियात की कड़ियाँ उसे मुजरिम साबित कर देंगी। उस डॉक्टर ने बता दिया है कि शाहिदा के बैग में लता की तस्वीर और फिल्म परिचय का केस्ट था और DSP की बीवी ने तस्दीक कर दी थी कि वही केस्ट गायब हुआ, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि उसने टेप रिकॉर्डर चुराया था और वही केस्ट निकाल कर ले गई। उसके बाद सवाल हुआ होगा कि उसने ऐसा क्यों किया था, तो जवाब भी आसान होगा, वो नकवी साहब की खिदमत पर मामूर थी। नकवी साहब ने उसकी मार्फत कोई पैगाम बाहर भेज दिया। शाहिदा ने मुझे वो कार्ड दिया जिस पर नकवी साहब की तहरीर थी। मैंने कहा तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। कहने लगी मेरा ही नाम क्या होगा? मैंने कहा केस्ट मुझे दे दो, मैं सुनकर तय करूंगी। वो कहने लगी नकवी साहब ने ये तो नहीं कहा था, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि पहले आप केस्ट सुनेंगी। मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? उसने कहा 10,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें 10,000 रुपये मिल जाएंगे, केस्ट निकालो। वो कहने लगी केस्ट तो मैं नहीं लाई थी, बुरा ना माने जी आप, ये मामला ही ऐसा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि वहाँ किसी ने मुझसे केस्ट छीन लिया तो मैं क्या करूँगी, आपके लिए केस्ट अहम है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी अहम है। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, जब तक वो केस्ट तुम्हारे पास है तुम्हारी ज़िंदगी को लाहक खतरा कम नहीं होगा। तुम्हारे घर में और कौन है? उसने कहा एक माँ है, एक बहन और एक छोटा भाई, बाप मर चुका है। मैंने पूछा केस्ट कहाँ रखा है? उसने कहा ये मैं नहीं बताऊंगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैंने कहा अच्छा घर जाओ और केस्ट ले आओ, केस्ट दो और 10,000 का चेक ले लो।
उसने चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। मुझे उसकी तवक्को थी, मैं नकद लूंगी। एक कागज का पुर्जा होता है चेक, तो आपके हिसाब में रकम है या नहीं मुझे क्या मालूम। मैंने कहा, शायदा ये कोठी मेरी है, ये कार मेरी है और मैं वकील हूँ, आम वकील नहीं, बहुत मशहूर वकील हूँ। मैं 10,000 के लिए तुमसे धोखा नहीं कर सकती। उसने कहा, आप ठीक कहती हैं जी, लेकिन चेक से आदमी पकड़ा जाता है। मैं सुबह आऊँगी, अभी तो वैसे भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने उसे समझाया, बेवकूफ़ लड़की, हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम बाद में वहाँ क्या हुआ था। तुमको तो अभी घर में भी नहीं रहना चाहिए, जाओ इसी वक्त केस लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए नकद रकम का इंतजाम करती हूँ, मगर ये अच्छी तरह समझ लो कि 10,000 के मुकाबले में तुम्हारी जिंदगी की कीमत कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। मेरी मानो तो अपने घर वालों के साथ कहीं शिफ्ट हो जाओ। वो चली गई। अब ये नहीं मालूम कि वो हॉस्पिटल गई थी या अपने घर। घर का पता लिया था तुमने? नहीं, मगर पता तो हॉस्पिटल से भी मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, वो पलट कर नहीं आई? राबिया ने नफी में सर हिलाया। मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, मगर उस वक्त तक शायदा की ड्यूटी शुरू नहीं हुई थी। फिर मैं तुम्हारी तरफ चली गई। गालिब ने कहा, फोन इस वक्त भी किया जा सकता है। मैंने कहा, मुझे तो तुमने मना कर दिया था कि कहीं फोन मत करना, क्या अब यह खतरा नहीं रहा कि इस फोन नंबर को टेप किया जा रहा होगा? शायदा से रابطہ बेहद जरूरी है, नाजो ने कहा, वो केस टाइम बम है, शायदा के पूरे घराने को तबाह कर देगा और हमें मिल गया तो नकवी साहब के कातिल। अभी से कुछ फर्ज मत करो, क्या पता उस केस में नकवी साहब ने वसीयत की है या इंकशाफात किए हैं, गाली बोला। मैंने कहा, जब वो केस टी लेने गई थी तो उसे 1-2 घंटे में आना चाहिए था, मुझे डर है कि वापस जाके वो फंस गई। गालिब ने कहा, यह हो सकता है कि केस्ट के खरीदार दूसरे लोग भी हों, उन्होंने ज्यादा कीमत लगा दी हो। मिस राबिया, आप अगर थोड़ी सी अकल और हिम्मत से काम लेती तो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले जाती, उसका घर भी देख लेती और रास्ते ही में उसे किसी से 10,000 रुपये पकड़ के उसे दे देती। मैंने कहा, अब तो जो होना था हो गया। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हम सब का दिमाग थकन और परेशानी के बायस काम नहीं कर रहा है। सबका दिन परेशानी में गुजरा है, चंद घंटे आराम कर लो, बाकी बातें सुबह। मैंने सबके दिल की बात कही थी। जरा सी देर में राबिया और नाजो बेड पर लेट गईं और लेटते ही सो गईं। मैं और गालिब वहीं कालीन पर सोफों के कुशन का तकिया बनाकर लेटे रहे और मुस्तकबिल के बारे में अपने अपने अंदेशों का इजहार करते रहे। कल की फिक्र सबको थी, मगर कल क्या होगा, आने वाले वक्त के मसाइल से हम कैसे निपटेंगे। यह हजार सोचें रखने वाला ऐसा मसला था जिसका हल आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता था। मिलाकर हम भी सो गए। इस जेर ज़मीन ख्वाबगाह में आराम, आसाइश, सुकून और खामोशी इतनी मुकम्मल थी कि हम 10 घंटे दुनिया और माफिया से बेखबर पड़े रहे। सबसे पहले 11 बजे उठने वाला मैं था। मेरी आंख भी उन्हीं आवाज़ों से खुली थी जो ऊपर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे तहखाने के ऊपर पूरे घर में जलजला आया हुआ है। मैंने फ़ौरन गालिब को होशियार किया, ये क्या है? गालिब की आवाज़ पूरी तरह बेदार हो गए, ऊपर कौन लोग ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं? हमारी आवाज़ों पर राबिया भी उठ गई और उसने नाजो को भी जगा दिया। हम सब आंखों में सवाल लिए उन उठाने पटखने तोड़ने फोड़ने की आवाज़ों को सुनते रहे जो मुख्तलिफ हिस्सों से पहुँच रही थी। मैं और गालिब सीढ़ियाँ चढ़ के उस दरवाजे तक पहुँचे जो दर हकीकत कमरे की अलमारी का पिछला हिस्सा था। यहाँ से शोर में लोगों के बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। मैंने सरगोशी में कहा, ये कौन लोग हो सकते हैं? पुलिस वाले हो सकते हैं, गालिब ने कहा, चौकीदार भी तो था दरवाजे पर। एक गरीब चौकीदार की हैसियत ही क्या है, उन्होंने उसे भी मारा होगा कि फ़राइज़ की अदायगी से रोकता है। राबिया और नाजो भी चुपके चुपके बातें कर रही थी और खासी खौफ ज़दा थी। हम इस पनागाह से निकल भी नहीं सकते थे और मजबूर थे कि ला कानूनीत के इस तूफान के गुजर जाने का खामोशी से इंतज़ार करें। कानून के मुहाफ़िज़ों ने खाना तलाशी के अहकामात इख्तियारात के साथ यलगार की थी और उन्होंने चौकीदार के बयान को कोई अहमियत नहीं दी थी कि घर के मकीन मौजूद नहीं। उन्होंने ताकत के बल पर बंद दरवाजे खोल लिए थे, ताले तोड़ डाले थे और अब वो पूरे घर में दनदनाते फिर रहे थे। खाना तलाशी के नाम पर लूट मार तोड़ फोड़ कर रहे थे और बेखौफ थे कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उनके खिलाफ गवाही कोई माई का लाल देगा और किसमें हिम्मत है कि उन्हें मुजरिम साबित कर सके? राबिया ही नहीं,
हम सभी मुश्तइल थे, मगर कोई भी इस कैद तन्हाई से निकलकर उन्हें ललकारता तो मुजरिम ना होने पर भी मुजरिम बन जाता। चौकीदार गलत बयानी के इल्ज़ाम में धर लिया जाता और ये जगह जो एक हिफाजत गाह थी, कानून की नज़र में आ जाती तो मुजरिमों का ठिकाना कहलाती। आधे घंटे तक हम अंदर ही खोलते रहे और ये सोचते रहे कि पुलिस ने इतनी जुर्रत कैसे की। हाई कोर्ट की एक सीनियर एडवोकेट के घर में उसकी अदम मौजूदगी में दाखिल कैसे हो गई और इतनी तोड़फोड़ कैसे मचा गई? क्या मंजिर को या वकार यूसुफ को भी इस खुफिया कार्रवाई की इतला नहीं मिली थी? जब आवाज़ों का सिलसिला मौकूफ हो गया तो सबसे पहले गालिब ने ऊपर तलू होने वाले रास्ते पर कदम रखा। कोया हट किए बगैर लॉक खोला और दबे पांव अलमारी में दाखिल हो गया। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने दरवाज़ा फिर अंदर से लॉक कर दिया। 10 मिनट के बाद उसने पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 3 उंगलियों से दरवाज़ा बजाया। बारी बारी हम सब निकल कर ऊपर गए तो बेडरूम में दाखिल होते ही तबाही का पूरा मंजर हमारे सामने आ गया। तलाशी लेने वालों ने बेड उलट दिया था, सोफे उलट दिए थे, उन्होंने बेड को ऐसे फाड़ा था कि अंदर के स्प्रिंग तक बाहर नजर आ रहे थे। यही असर सोफों का हुआ था। उनके कुशन भी उधेड़ दिए गए थे। अलमारियों में से हर चीज निकाल कर बाहर फेंक दी गई थी। राबिया के सलीके से लटके हुए कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। उन्होंने बाथरूम कैबिनेट गिरा दी थी, फ्लैश टैंक का ढक्कन उतार कर फेंक दिया था। सबसे खराब हालत में किचन था, जहाँ सब अलमारियों के हर डिब्बे को खोला गया था और डिनर सेट के डोंगे निकालते हुए बहुत से बर्तन गिरा दिए थे। फर्श पर शीशा ही शीशा बिखरा हुआ था। राबिया को गुस्से के साथ सदमा भी था। उसके सजे सजाए घर की हालत कबाड़ खाने से बदतर हो गई थी। गालिब आतिश पिशां बना हुआ था। मैं अभी बुलाता हूँ सारे प्रेस को, कोई चीज मत उठाना, किसी चीज को हाथ मत लगाना, गालिब ने कहा। फोन कहाँ है? मैं SP से बात करता हूँ, नाजो ने कहा। पहले चौकीदार की तो खबर लो। चौकीदार मुझे गेट के अंदर और दीवार के साथ बेहोश पड़ा हुआ मिला। उसका सर फटा हुआ था और जख्म से निकलने वाला खून बालों में जम के खुश्क हो गया था। मारपीट के निशानात उसके चेहरे पर भी थे और वो रिवाल्वर भी गायब था जो उसे हिफाजत के लिए दिया गया था, लेकिन गेट उसी तरह मुकफ्फल था जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। गालिब ने फ़ोन करने की कोशिश की तो उसे फ़ोन डेड मिला। मैंने बाहर कटी हुई लाइन दरियाफ्त की और उसे जोड़ दिया। गालिब कहाँ कहाँ फ़ोन घुमाता रहा। आखिर में उसने SP से बात की। उसके चीखने चिल्लाने से अंदाज़ा होता था कि SP गालिब की बात मानने पर तैयार नहीं। उसने जट से रिसीवर रखा और उसे एक गाली दी। हराम ज़्यादा कहता है कि पुलिस अगर खाना तलाशी के लिए आती तो हर चीज़ ऐसा ना करती। हम कानून के दायरे में रहते हैं और यह साबित हो गया कि किसी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया तो मैं उसकी पेटी उतरवा दूंगा। मैंने कहा कि अखबार वाले आ रहे हैं, तुम खुद भी देख लो कि तुम्हारे कारिंदों ने क्या तबाही फैलाई है। मैंने कहा कि वो नहीं मानता कि पुलिस का काम था। अरे वो लोग ड्रामा करते हैं, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ, गालिब ने कहा। मैंने कहा मिर्जा जी क्या पता वो ठीक ही कह रहा हो। ये देखो कि तलाशी लेने वाले क्यों आए थे। पुलिस मेरी तलाश में आती तो सोफे और बेड क्यों फाड़ती? क्या मुझे वो किचन के डिब्बों में से बरामद करना चाहते थे? नाजो ने मेरी ताइद की। ये पुलिस नहीं हो सकती, केस तलाश करने वाले थे। राबिया ने सर हिलाया। खुदा मालूम शायदा के साथ उन्होंने क्या जुल्म किया, केस मिल गया होता तो वो यहां ना आते। गालिब ने कहा प्रेस का सामना करेंगे मैं और राबिया। राबिया का बयान होगा कि मैं घर में अकेली थी और सो रही थी। उन्होंने मुझे उठाकर बेडरूम से मलिक बाथरूम में बंद कर दिया था। वो सादा कपड़ों में थे। मैं सूरत देखकर कम से कम 2 अफराद को शनाख्त कर सकती हूँ। मैं ये कहूँगा कि मुझे 11 बजे आना था। दरवाजे पर मौजूद चौकीदार को ना पाकर मुझे हैरानी हुई। उसे सख्त हिदायत दी कि बाहर मौजूद रहे और किसी गैर मुतलका शख्स को बिला इजाज़त अंदर ना जाने दे। मैं गेट फाड़ के अंदर आया तो मैंने चौकीदार को जख्मी और बेहोश पड़ा देखा, फिर अंदर का हाल देखा और एक बाथरूम में से राबिया को बरामद किया। इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर इसके हाथ पीछे बांधे गए थे और इन्हें 20 के साथ बांध दिया गया था। मैंने कहा अखबार वाले और पुलिस वाले निशाना देखेंगे। गालिब ने कहा ये क्या मुश्किल है। उसने एक चादर फाड़ कर राबिया के दोनों हाथ सख्ती से पीछे बांधे। बस 1 मिनट तकलीफ बर्दाश्त कर लो, निशान जरा गहरे हो जाए। राबिया ने सर हिलाया। तुम दोनों तो जाओ, अभी कोई आ जाएगा, आएगा तो बाहर से काल बैल बजाएगा, मैंने कहा। गालिब ने राबिया के हाथ खोले और चादर का वो लंबा सा टुकड़ा बाथरूम में डाल दिया।
राबिया ने उठने के बाद हाथ मुंह भी नहीं धोया था, चुनाचे उसके बाल परेशान थे। आंख खुलते ही नाजल होने वाली इस परेशानी के आसार सब की तरह उसके चेहरे पर भी आया थे। पहली घंटी बजी तो मैं और नाजो नीचे उतर गए, दरवाजे को हमने मुकफ्फल कर दिया। राबिया ने कैमोफ्लाज के तासुर को बरकरार रखने के लिए अपने बिखरे हुए कपड़े फिर उसमें लटका दिए थे। गालिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस की तफ्तीश में एक घंटा सर्फ हो जाना मामूली बात थी। मैंने नाजो से कहा कि वो काफ़ी बनाए, अगर ये मुसीबत ना होती तो हम सुकून से नाश्ता करते, मगर अब भूख बिल्कुल मर चुकी थी। काल बैल वक्फे वक्फे से बजती रही, जिससे मैंने अंदाज़ा किया कि गालिब की सदाए एहतजाज सदा बासहरा साबित नहीं हुई। उसके हम पेशा साफी ला कानूनीत के खिलाफ जिहाद में उसका साथ देने के लिए पहुँच रहे थे। शायद पुलिस वाले भी फ़र्ज शनासी साबित करने पर मजबूर हो गए थे। सिर्फ एक बार मैंने ऊपर वाले कमरे से गालिब की आवाज़ सुनी, वो किसी को बता रहा था, ये देखो ये शराफत है, कोई कानून है इस मुल्क में? चादर और चार दीवारी का कोई ख्याल है किसी को? अकेली औरत घर में थी और आप लोग जानते हैं वो औरत कौन थी। जवाब में किसी ने कहा, मैं जो बात समझा रहा हूँ इस पर भी तो आप लोग गौर करें। गौर आप करें एसपी साहब, यह आपका इलाका है, वारदात रात के अंधेरे में नहीं हुई, दिन दिहाड़े हुई है, गालिब की आवाज़ आई। फिर वो लोग दूसरी तरफ चले गए और मैं नीचे उतर आया। मैंने दूसरी दफ़ा काफ़ी पी और नाजो बेचैनी से टहलती रही। बिलाखर गालिब ने दस्तक दी और हम बाहर निकले। चौकीदार को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया गया था और पुलिस तफ्तीश की रस्मी कार्रवाई करके जा चुकी थी। गालिब के बुलाए हुए प्रेस फोटोग्राफर्स ने मखसूस जावियों से तस्वीरें उतारी थी। वो राई को पहाड़ या पहाड़ को राई दिखाने का फन जानते थे। पुलिस ने केस की बात नहीं की थी, मगर ये वादे कर दिया था कि जो लोग राबिया की कोठी में तोड़ फोड़ मचा के गए थे उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो कोई चीज़ तलाश कर रहे थे जो उनके ख्याल में कहीं भी छुपाई जा सकती थी। उन्होंने राबिया से और गालिब से पूछा था कि आप बताएं ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, कोई खत, डायरी या तस्वीर? आपका शक किस पर जाता है? कौन कर सकता है ये काबिले मुज़म्मत कार्रवाई? एसपी ने राबिया के घर पर गार्ड बिठाने की पेशकश की थी, जिसे गालिब ने मुस्तरद कर दिया था। नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था और एसपी ने बड़ी सियासी समझ बूझ से काम लेते हुए अखबार नवीसों के सामने वही पुराना घिसा पिटा बयान दे दिया था कि ला कानूनियत के ऐसे मुजाहरे पर पुलिस खामोश नहीं बैठेगी, मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए सारे वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे और उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी, वगैरह वगैरह। उसने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया था कि ना पुलिस ने भी राबिया कारी एडवोकेट के बंगले की तलाशी के लिए वारंट हासिल किए थे और ना पुलिस का ऐसा कोई इरादा है। क्या सराय की ज़रूरत भी नहीं थी। हमलावर उस केस को तलाश कर रहे थे जिसमें नकवी साहब ने अपने खदशात का इजहार किया होगा और यह बताया होगा कि किन लोगों से उनकी जान को खतरा लाहक है। दोपहर के 12 बजने वाले थे और किसी ने ना मुँह धोया था ना नाश्ता किया था। बावर्ची खाने की हालत ऐसी नहीं थी कि वहाँ नाश्ता बनाया जा सकता। मैंने राबिया की मदद की और उसने सफाई शुरू की। गालिब उसकी गाड़ी लेकर अलवापुरी लेने चला गया और जाते जाते नादो की ड्यूटी लगा गया कि वो इस हॉस्पिटल से नर्स शाहिदा के घर का पता मालूम करे। हस्बतवको शाहिदा की कोई खबर ना थी। वो गुज़िश्ता रात ड्यूटी पर भी नहीं आई थी और कुछ लोग उसे पूछते हुए हॉस्पिटल पहुँचे थे। उसकी तलाश पुलिस को भी थी क्योंकि DSP साहब की बेगम ने उसे टेप रिकॉर्डर की चोरी का केस बना दिया था और उसने शक जाहिर करने की बजाय साफ शाहिदा को चोर करार दे दिया था। उसने कहा था कि वो बाथरूम में थी जब शाहिदा उसके कमरे में आई थी और उसने आवाज़ सुनकर देखा तो वो टेप रिकॉर्डर उठाकर निकल रही थी। नाजो ने क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से फ़ोन किया था और ये मालूमात उसे दूसरी नर्स ने फराहम कर दी थी, जिससे अपनी हम पेशा नर्स से हमदर्दी थी और वो उसके बारे में कसम खाने को तैयार थी कि वो चोर नहीं हो सकती। उसने एक वाकया भी बताया कि उसने किस तरह एक मरीज के 7,000 रुपये लौटा दिए थे जो वो डिस्चार्ज होते हुए कमरे में छोड़ गया था। नाशे के साथ गालिब अखबारात भी ले आया था, उन सब में एक छोटी सी खबर नकवी साहब के बारे में उनकी तस्वीर के साथ छपी हुई थी और जैसा कि गालिब ने बताया कि उनकी मौत को हॉस्पिटल वालों ने कोई साजिश या कत्ल करार नहीं दिया था। खबर में तो ये भी वादे नहीं किया गया था कि किसी ने उन्हें काफ़ी में जहर दिया था, बल्कि फूड पॉइजनिंग का इम्कान जाहिर किया गया था।
खुराक के जहरीले असरात को किसी भी चीज से मंसूब किया जा सकता है और बात औकात आदमी गलती से ऐसी चीज खा लेता है जो उसे मुवाफिक नहीं आती। कोई सालन में गलती से नमक की बजाय DDT डाल दे तो जहर खोराने का केस बन जाएगा। डॉक्टर शीली की मौत की खबर अंदरूनी सफात में लगाई गई थी जहां मुकामी खबरें नहीं होती। वो सफात मुल्क के अंदरूनी इलाकों, छोटे कस्बों और ज़िली नुमाइंदों की रिपोर्ट के लिए वक्फ होते हैं। ये उमदन एक खबर को दबाने के लिए किया गया था और जिसने भी ये कोशिश की थी उसने धन या दोस्त का दबाव इस्तेमाल किया था। खबर के साथ तस्वीर भी कोई नहीं थी और खुदकुशी वाली बात बिल्कुल गोल कर दी गई थी। सिर्फ एक अखबार ने लिखा था कि पुलिस की तहवील में मशकूक औरत की खुदकुशी, बाकी सब वही था जो पुलिस हॉस्पिटल की इंतजामिया का मुश्तरका मौकफ था कि मुलाकात के औकात में किसी मरीज की अयादत करके जाने वाली औरत ऊपर से गिरकर हलाक हो गई। वो कहां से गिरी, कैसे गिरी, उसका नाम हुलिया, सब गोल कर दिया गया था। तीसरी अहम खबर की तरफ मुझे गालिब ने मुतवज्जो किया। यह वजारत दाखिला के एक डिप्टी सेक्रेटरी के अमरीका से वापसी पर एडिशनल होम सेक्रेटरी की हैसियत से तकर्रुर के बारे में थी। जनाब बदरुल हसन फारूकी इस वक्त अक्वामी मुतहिदा के इजलास में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी वफद के रुकन हैं और उन्हें फौरी तौर पर ZU नकवी साहब का चार्ज लेने की हिदायत की गई है जिनका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था। गालिब ने कहा, भरी वैसे तो मरने वाले को हमेशा कौन याद रखता है, लेकिन सरकारी निज़ाम की बेहिसी पर तो इंसानियत शर्माती है। मैंने कहा, हाँ वहाँ एक आदमी नहीं मरता, एक पोस्ट खाली होती है इस पर बहुत से आस लगाए बैठे होते हैं। अब उन्हें होम सेक्रेटरी बनना था नकवी साहब को, न जाने कितने पहले से उनके हल्के बगोश बन चुके होंगे। आज अचानक वफादारी और खिदमत गुजारी के जज्बात का रुख बदरुल हसन फारूकी की तरफ हो गया होगा। कल तक जो नकवी साहब के तलवे चाटते होंगे वो अब हार लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। गालिब ने कहा, और अफसरी का नशा भी ऐसा है कि आदमी असल और नकल का फर्क नहीं देख सकता। ये नहीं समझता कि खुशामदी लोग जो राग अलाप रहे हैं क्यों अलाप रहे हैं, उसे ये सुर सच्चे और मीठे लगते हैं और अपनी ज़ाते वाला सिफात लायक तहसीन नज़र आने लगती है। गाली बोला, साफ जाहिर है, क्या बदरुल हसन फारूकी को रिटायर्ड होने वाले होम सेक्रेटरी की जगह लाया जाएगा। अचानक ब्यूरोक्रेसी का एक ग्रोह इक्तदार से महरूम हो गया, दूसरा ग्रोह जो अब तक मातूब या नापसंदीदा अनासिर में शामिल होगा बरसरे इक्तदार आ गया। बहुत से लोगों के काम होते होते रुक गए। कुछ लोग अब बुकरबा परवरी और दोस्त नवाजी का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे तारीख में एक खानदान की हुकूमत खत्म होती थी तो दूसरा खानदान बरसरे इक्तदार आता था तो सब कुछ बदल जाता था। ऐसी वजारतों में डिवीजन सेक्शन की सतह पर अफसराने आला की तब्दीली से होता है। अब नीचे से ऊपर तक कलचल होगी। एक सेक्शन अफसर जो किसी का मंजूर नजर होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाएगा और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जगह लेगा बदरुल हसन फारूकी की। जाहिर है वो अपने आदमी को डिप्टी सेक्रेटरी बनाएंगे जो उनके लिए मुश्किलात पैदा ना करे। उसके लिए जोड़ तोड़ भाग दौड़ तो उसी वक्त शुरू हो गई होगी जब नकवी साहब हॉस्पिटल में दाखिल हुए होंगे। यकीनी कामयाबी तो उसी गरोह ने हासिल की होगी जिसने नकवी साहब को घर से हॉस्पिटल और फिर कब्रस्तान पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। इसलिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर पोस्टिंग हो गई, वरना सरकारी अहदे महीनों खाली पड़े रहते हैं और एडहॉक इंतजाम के तहत कोई कायम मुकाम दौरा चार्ज अपने पास रखता है। खुलासा ये कि हमें बदरुल हसन से नेक तवक्कुआत वाबस्ता करने की गलती नहीं करनी चाहिए। गालिब ने कहा, अब हम चलते हैं, हमसे मुराद मैं और नाजो। हम जाएंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर शीली के बारे में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। नाजो को वहां छोड़कर मैं शाहिदा का पता चलाऊंगा।